नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम लोग हैं परम समाज सेवी केपी चौधरी जी के साथ, जो हमेशा से बहुजन समाज के किसी भी कार्य को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर करते हैं। चौधरी साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है पहले तो। जी, जय भीम नमोस्तुते। जी चौधरी साहब, हर साल आपका एक विशाल कार्यक्रम होता है, तो ये कार्यक्रम करने की जो रूपरेखा है क्यों है वो बताएं। जैसा आपने कहा कि एक सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए पिछले 2013 में पहला अंतर्राष्ट्रीय यहाँ बहुजन सम्मेलन हमने तालकटोरा स्टेडियम में किया था, और तब से हम इसको लगातार करते आ रहे हैं। 2017-2018 में भी इस कार्यक्रम को हमने किया है। उसी कड़ी में 2019 को इस बार तालकटोरा स्टेडियम की बजाय हमने इसको भीम ऑडिटोरियम इंटरनेशनल जो सेंटर है बाबा साहब के नाम पर पंद्रह जनपद बना, उसमें हम लोग कर रहे हैं। और इसका मूल उद्देश्य ये है कि समाज के लोगों को इकट्ठा करना, देश विदेश से अम्बेडकरवादियों को, बुद्धिस्ट समाज के लोगों को, बहुजन समाज के प्रमुख साथियों को इकट्ठा करना, उनकी समस्याओं पर चर्चा करना, चर्चा करके प्रस्ताव पास करके भारत की सरकार को उन समस्याओं से अवगत कराना, इसका मूल उद्देश्य रहा है। और निश्चित रूप से मुझे इस बात को बताते बहुत खुशी है कि ये गतिविधि जो हर साल 26 नवंबर के उपलक्ष्य में की जा रही है, इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। सरकार को हम अपनी बात एटलीस्ट पहुँचाने में तो कम से कम कामयाब हो ही रहे हैं। आपके हर जब भी आप कुछ कार्यक्रम करते हैं तो हर कार्यक्रम के अंदर कुछ ना कुछ विशेष होता है। इस कार्यक्रम के अंदर जो आप करने जा रहे हैं उसमें क्या विशेष है वो बताएं। देखिए, इसमें हमने हर फील्ड से 10-10 लोगों को छांटा है। जी, जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने 90% एनरोल नंबर प्राप्त किए हैं, 10 बच्चे 10th के, 10 बच्चे 12th के, 10 बच्चे ग्रेजुएशन के, 10 बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के, और जो बच्चों ने एथलीट प्रतियोगिता में समाज का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उज्ज्वल किया है, रोशन किया है, जिन लोगों ने कला के क्षेत्र में यानी कि एक्टिंग के क्षेत्र में किया, तो सभी फील्ड्स में हमने 10 फील्ड्स में छांटे हैं। 10 फील्ड से 10-10 लोगों को हम लोगों ने चुना है, और उन लोगों को 23 नवंबर को यहाँ मंच पर पूरे देश और दुनिया के लोगों के सामने सम्मानित करके उनकी हौसला अफजाई की जाएगी, जिससे कि समाज में जो बच्चे प्रतिभावान हैं, जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, जो बच्चे और आगे बढ़ सकते हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाए और वो आगे आने वाले समय में समाज की धरोहर बने, समाज की बागडोर के हाथ में आए, ये हमारी एक कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से रहेगी। वैसे तो इस कार्यक्रम के अंदर देश विदेश से लोग आ रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे इसके अंदर मतलब कोई चुनिंदा व्यक्ति आएंगे, या पूरे सभी के लिए, समाज के सभी, बहुजन समाज के सभी लोग इसमें आ सकते हैं वो भी बताएं। देखिए, किसी के लिए रोक नहीं है, जो भी बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी है हर व्यक्ति का इसमें स्वागत है, चाहे वो किसी भी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, यानी कि जो एनआरआईज हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में बहुत सारे लंदन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, कनाडा से बहुत सारे एनआरआईज कार्यक्रम का हिस्सा पहले भी, अगर आपको याद हो कि पिछले वर्षों में भी वो हिस्सा बनते रहे, और इस बार भी 23 नवंबर को बड़ी अच्छी संख्या में विदेशों से भी लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं। समाज के जो लोग जिस शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सभी लोगों को इस कार्यक्रम में इनवाइट किया गया है, और सभी लोगों की भागीदारी पिछले वर्षों में भी रही है, इस बार भी हमें उम्मीद है कि ये संख्या काफ़ी अच्छी रहेगी और समाज के हर वर्ग का साथी इसमें उपस्थित रहेगा। समाज की समस्याओं पर चर्चा होगी, समाधान निकालने की कोशिश होगी, और समाज के प्रति जो हमारी एक जिम्मेदारी है, पेबैक सोसाइटी जो सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, उस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को हर साल ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, इस साल भी कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है नतीजे जो निकलेंगे वो समाज के हक में निश्चित रूप से जाएंगे। आप थे हमारे साथ केपी चौधरी, जो बहुत परम समाज सेवी हैं, और 23 नवंबर को इतना विशाल कार्यक्रम हो रहा है जिसके अंदर बहुजन समाज के वो लोग आते हैं देश विदेश से, जिनके साथ मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, जिन्होंने माननीय श्री काशीराम साहब के साथ बहुत बड़ा आंदोलन करा, ऐसे पूरे देश से लोग इकट्ठे होंगे, और ऐसे लोगों के साथ मिलकर, बुद्धिजीवी लोगों से मिलकर आप अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में 23 तारीख को पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन होते हैं, लेकिन बहुजन समाज का इकलौता ये कार्यक्रम ऐसा है जिसके अंदर बढ़ चढ़कर पूरे देश से लोग आते हैं। आपने हमारे चैनल से बात करी चौधरी साहब, इसके लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।